अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों ने जो है वो अभी भी घर की सफाई की है, जो कि मैं क्लिप इसके बाद डालती हूँ। और उसके बाद जैन ने जो है वो सारी की सारी मॉपिंग की है, मैंने जो है वो ब्रूमिंग की है। और इसके अलावा अब हम लोग आज अपने कैट्स को नहलाने लगे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल देवर एस्किंग के आप किस तरह से अपनी कैट्स की जो वो ख्याल रखते हैं, वो लोग कौन से फूड खाते हैं, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, वो लोग कहाँ पर सोते हैं, उन लोगों के क्या स्नैक्स हैं और वो किस तरह से प्ले करते हैं। तो सारे की सारी वीडियो है जी कैट्स के बारे में, जो कि बहुत क्यूट होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज यू गाइज कैन स्किप एंड आई विल शो यू माई थोड़ी बहुत रूटीन। तो आज जो है वो स्टडी डे है और कैट्स का शॉवर डे है। सबसे पहले हम इनको शॉवर देंगे, बट शॉवर से पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बहुत लगी है और मैं बनाने लगी हूँ पॉरिज। तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पर मैंने अपनी एक स्टोरी लगाई थी, लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि आप किस तरह से बनाती हैं ये पॉरिज। इट्स सुपर सिंपल एंड ईजी, लेट मी शो यू। तो जी ये है जी हमारा पोरेज, जो कि मैं वीडियो इसका क्लिप बनाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाया था। तो मैं इससे पहले या इसके बाद में डाल दूंगी कि कैसे बनता है। बेसिकली इसका पैकेट होता है, ठीक है। पैकेट में से जो फ्लेक्स होते हैं, जो पोरेज होता है, आप वो डालें। उसके बाद जो ये आपको ये पर्पल पर्पल से नजर आ रहा है, इट्स ऑल्सो लाइक ब्रेड, ठीक है, ब्रेड क्रम्स की तरह होते हैं। इसको डालें, इसको मिल्क में डालें। उसके बाद हम इसमें ये हनी जो है ये रखा हुआ है, हम इसमें ये हनी ऐड करते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, देखिए बन गया और इसको इतना हेल्दी होता है। उसके बाद आप खा लें इसको। अच्छा, जैन की और मेरी फाइट हो रही है इस बात के ऊपर, लाइक अच्छे वाली फाइट। मैं कह रही हूँ कि पहले आर्टी को नहलाना है और जैन कह रहे हैं कि पहले लिली को नहलाना है। तो हाँ, अब फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन हमारा ये हुआ है कि चलो हम लोग जो है ना वो टॉस कर लेते हैं, और जो टॉस में विन हुआ उसी को पहले नहलाएंगे। पहले आर्टी ही आर्टी जीतेगा। तो मेरे पास है ये कॉइन एंड कॉइन की जो ये दो साइड है यहाँ पर, ठीक है, जो ये 20 वाली साइड है ये मैं ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये इधर कोई वैसे लकी नहीं है वो, मैं दूसरे वाला ले लेती हूँ। मैं करती हूँ ना, आपने अपने हाथों से कहते हैं मैंने करना है मैं नहलाती नहीं, चाहे अपना काम करे। यार टॉस एक ही दफा होता है, इस तरह थोड़ा होता है। देखो फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच है, मैं थ्री टाइम्स करूंगी भाई। मैं ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, दिस इज नॉट क्रिकेट मैच। चलो अच्छा यार, बेईमान लोग होते हैं। मान ले आपने इन्होंने 20 वाला यस एगर के ऊपर किया था, तो चलो ठीक है आप कर लें। तो मैं भी अभी वाले मैंने जीतना है, आपने नहीं जीतना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रिंसेस हेलो, पहले 20 आया था, माइन इज प्रिंसेस, झूठ नहीं बोलना। प्रिंसेस तो भी माइन इज प्रिंसेस ना, आप भी पहले 20 आया था तो भी आर्टी ने हाई ना आएगा ना। एक मिनट पहले 20 आया था, मेरी बात सुने ना, कोई भी चेंज कर सकता है ना। तो मतलब आपने आपने ये पूछना था ना मुझसे कि अब आपका कौन से वाला है, मतलब आप 20 लेते हैं या आप प्रिंसेस लेते हैं। क्यों तो एक दफा ले लिया, मैंने बोला कि प्रिंसेस एक दफा ले ली, ये क्या बात हुई यार। ये नहीं होता, ये होता कि आपने कितनी दफा टास्क विन किया। ये क्या बात हुई, मैंने विन किया, चीटिंग नहीं यार। चेक कर रहे हैं बेईमान लोगों को, बेईमान क्या, पहले आर्टी नहाएगा। देखिए प्रिंसेस आया पहले आर्टी नहाएगा, चले आर्टी को। नो नो ये नो नो नो, तो अभी दो दफा टास्क हुआ ना, तीसरी दफा भी। नो 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 नो, सेकंड टाइम मैं जीती हूं। अब बताइए 20 या वो प्रिंसेस, अब आप कर लें। नहीं आप करें अपने हाथों से, नहीं फिर आप रोएंगे, आप कर लें। रेडी प्रिंसेस लेनी है मैंने, प्रिंसेस। भाई मान लो तीन दफा टास्क करवा कर फिर कहीं जाकर जीते, दो दफा टास्क मैं जीत चुका हूँ। दो दफा हम नहीं जीते, आप सिर्फ एक दफा जीते हैं फर्स्ट टाइम, और दो दफा आप बेईमान। बस ठीक है, अब हम लोग नहलाने जा रहे हैं। अच्छा अभी लिली साहिबा जो है वो यहाँ पर है, अभी जब आरती को नहलाएंगे ना आप देखिएगा लिली मिलेगी नहीं पूरे घर में। आरती ही विल कम टू मी। आरती कम हियर, कम हियर, लुक माय बिल्ला। इसलिए तो आरती मेरा बिल्ला है और लिली जो है वो जैन की मानो है। मिली भी है मानो, मिली भी है। चलो आरती, आरती लेट्स गो, कहीं शाम मत आती। लेट्स गो आरती, लेट्स गो। यह जी आरटी का टॉवल ले लिया हमने, अब हम इसको लेके जा रहे हैं नहाया कराने। अभी आरटी की म्याओं में आरटी को पता चल गया, अभी इसके म्याओं में सुनिएगा आप लोग। आरटी तो यह है जी आरटी, और यह है आरटी का शैम्पू।
दिस इज एंटी एलर्जिक शैम्पू, ठीक है। तो ये कैट्स का जो है वो स्पेशल शैम्पू है, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी या फिर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका नाम है रेलफिट, इसका नेम है जी रेलफिट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि एंटी एलर्जी, और ये कैट्स एंड डॉग्स के लिए है। ये देखिए यहाँ पर इनके साइंस भी बने हुए हैं। तो हम इससे इसको शॉवर दे रहे हैं, और अब मैं इसको टाइम लैप्स पर लगाती हूँ। अच्छा, जो ये शैम्पू है हमें इसको 5 मिनट्स तक हमने लगा दिया, इसको डाइल्यूट किया है, इसको हम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, इसको इसके अंदर हमने डाइल्यूट किया है। लाइक थोड़ा सा शैम्पू डाला, उसके बाद वाटर डाला, और वाटर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, और अब हम इसको जो है वो लगा रहे हैं, और 5 मिनट्स तक जो है वो हम इसको लगाते रहेंगे, मतलब कि इसका मसाज करेंगे, और 5 मिनट्स के बाद हम इसको जो है वो वॉश कर लेंगे। अच्छा, आप लोग कभी भी दूसरा बेबी शैम्पू या जो आपके अपने लिए होता है वो कभी भी पेट्स के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद जो कैट्स होती है ना उनको उनकी स्किन की एलर्जी हो जाती है, उनके बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं आपकी कैट्स के जो है वो बाल क्यों गिरते हैं, तो इनके इसीलिए नहीं गिरते हैं कि हम लोग ये वाला यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं गिरते, 1 ईयर में ऐसा टाइम आता है जब 2 टाइम्स इनके गिरते हैं हेयर, और वो हेयर फॉल होता है, बट दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर आपकी कैट्स का या पेट्स का 24/7 जो है वो हेयर फॉल हो रहा है, इट मीन्स कि आप जो है ना वो शैम्पू को अच्छा यूज नहीं कर रहे हो। आरती सो क्यूट, नया नया हो चुकी है आरती की, अपने टीथ दिखाओ, टीथ, वेरी गुड, गुड बॉय, शाफ है भाई, शाफ है। आरती ने आज बिल्कुल भी म्याऊ नहीं किया, हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, इज लाइक अ गुड बॉय। अब हम इसको टॉवल में डालते हैं, इसको टॉवल में जो अच्छे से रैप करके हम इसको इसकी ड्राइंग मशीन में आपको दिखाती हूँ कि इसके हेयर जो है वो कैसे ड्राई करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी बिल्लियां इतनी मोटी मोटी, आप इन्हें क्या खिलाती है। देखिए ये सिर्फ इनके बाल होते हैं, फ्लफ देखे कितना सुक्कू सा है, अभी आरटी कितना सुक्कू सा लग रहा है। ये इनके बाल माशाल्लाह इतने लंबे लंबे होते हैं कि इससे ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी कैट है, बट रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। चलो भाई आरटी आ जाओ, ड्राई कर देते हैं, या यू कैन ड्राई एंड देन हम लोग इसको टॉवल में जो है वो रैप करते हैं। आरटी शर्दियाँ लग गई भाई, इसको शर्दियाँ लग गई, चेक करें आरती को, जस्ट लाइक ए स्मॉल क्यूट बेबी, अवे बेबी आरती। चलो जी अब हम इसको इसकी मशीन में डालते हैं, जैन आपको दिखाते हैं कि मैं कौन सी हेयर ड्राइंग मशीन की बात कर रही हूँ। तो ये है जी वो ड्राइंग मशीन, ठीक है। यहाँ से हम इसको टर्न ऑन करते हैं, और ये है वो प्लेस जहाँ पर आरटी को हम लोग इसके अंदर एंटर कर देंगे, और यहाँ से पूरी विंडो की मतलब हवा आएगी, जिस तरह से ड्राई होता है आरटी, पूरा ड्राई हो जाएगा। अब मैं इसको दिखाती हूँ। सो आरटी इज हियर इन द मशीन, आरटी हम इसको चलाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मैं टर्न ऑन कर दूंगी यहाँ से। ओके दिस इज हॉट, मेरी कुतु शिकायत की बारी है। चले जी बस 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 मानो बस। अभी देखिए कितना फ्लफ सी लग रही है ना, आप देखिए इसको माशाल्लाह से, लेकिन जब ये नहा लेगी आप तब देखिएगा इसको। तो लिली मैडम जो है वो इधर आ चुकी है मैदान में, और हम लिली के लिए भी वही वाला शैम्पू मतलब सेम चीजें यूज कर रहे हैं। तो लिली जो है वो बहुत ही शरीफ बिल्ली है, बस इनको नहाते हुए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब ये इसके ऊपर पानी डल जाता है फिर ये बहुत इंजॉय करती है। लिली रेडी, आर यू रेडी, गुड, लेट्स डू दिस। तो चेक करें जी, लिली बहुत ज्यादा काम बैठी हुई है, ठीक है, मजे से जो है ना ये एंजॉय कर रही है शॉवर अपना, जिस तरह से मैंने बताया, बिल्कुल भी कोई मूव नहीं करेगी। बस इसको अच्छा नहीं लगता कि इसके फेस के ऊपर कोई पानी डाले, तो इसलिए हम इसको बहुत स्लो स्लो जो है वो हैंड से मैं इसको वॉश करती हूँ। आयशा आप खिलाओ, अब जो है वो लिली को ड्राई कर रहे हैं। ओके, तो अब क्योंकि हम लोगों ने आरटी और लिली को नहलाया था यहाँ पर, अब हम इस पूरे के पूरे पार्ट को जो है वो डिसइंफेक्ट करेंगे, हैंड्स को भी डिसइंफेक्ट करेंगे। जैन ने तो कर लिए हैं, लेकिन मैं अपने कैमरे को भी करूंगी, बिकॉज आई एम होल्डिंग माई कैमरा, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखिए, तो अब जो है वो मैं साथ साथ ब्लू बेरीज, माई ब्रेन फूड, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन, ठीक है। मैं ये ब्लू बेरीज खा रही हूँ, साथ साथ अपनी क्लास भी ले रही हूँ। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग आवर ऑनलाइन लाइक लैब एक्सपेरिमेंट, और उसमें यह है कि हम लोगों को एक लाइक हमारा एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर हम लोगों को सारी की सारी वीडियोज़ देखनी होती हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने आईपैड पर जो है वो लैब रिपोर्ट जो है हम लोगों को राइट डाउन करनी होती है।
एंड वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ लैब रिपोर्ट्स एंड ओ माई गॉड इट्स गेटिंग लाइक सो हार्ड फॉर मी कि मैं डेली जो है वो ब्लॉगिंग कर सकूँ. बहुत सारे लोग कह रहे थे आप कहाँ गायब हैं, तो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं. मैं मे बी वन एंड हाफ मंथ तक जो है आई थिंक जुलाई के लास्ट तक, एग्जैक्टली जुलाई के लास्ट तक या जुलाई के मिड वीक तक ना, मतलब सेकेंड वीक तक हो सकता है मैं थोड़ा बिजी रहूँ, बट उसके बाद डेफिनेटली जब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे आई प्रॉमिस आई विल स्टार्ट लाइक डेली ब्लॉगिंग और एटलीस्ट 5 days इन अ वीक. सो बेयर विद मी गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू ब्लॉगिंग लाइक एटलीस्ट 3 times और 2 times इन अ वीक, बट अब मैं डेली नहीं कर सकती ब्लॉगिंग. मैं तो यहाँ पर बैठ के अपना पढ़ रही थी एंड माई हस्बैंड उन्होंने जो है ना मेरे लिए बर्गर बनाया है. नो, 2 मैं नहीं खाऊंगी, 1 मेरा और 1 जैन का. थैंक यू सो मच हनी. और ये देखिए लिली जो है यहाँ पर खाना खा रही है, ठीक है. तो इसका फूड टाइम हो गया. इसके अंदर इनका वाटर होता है, यहाँ पर इसका पानी होता है, सॉरी यहाँ पर इसका वाटर होता है, यहाँ पर इसकी फूड होती है. अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन से ब्रांड की जो ये फूड खाती है, कौन से फूड खाते हैं. हम लोग जस्ट इनको ये वाली फूड देते हैं, ठीक है, और फूड नहीं देते. ये देखिए ये वाली फूड है इनकी स्पेसिफिक जो कि ये लोग खा रहे हैं. दिस इज़ वेरी हेल्थी. आरटी भी आ गया है, इनके स्नैक्स भी हैं बहुत सारे, वो भी मैं आपको दिखाती. तो ये है जिनका वॉशिंग सिस्टम, जहाँ पर ये पॉटी पीछी जो करना होता है यहाँ पर करके आ जाते हैं. और यहाँ पर कोई स्मेल नहीं होती है क्योंकि जो इनका लिटर होता है ना, यहाँ पर इसकी एक स्पेशल जो है वो सेंट होता है, लाइक लेमन वाला सेंट होता है. तो उससे ये होता है कि ये डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर सारे स्मेल को. तो घर में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती है. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा ये भी बता देती हूँ. तो जी ये देखिए ये है इनका लिटर, ठीक है, इस तरह से होती है ये. अब शॉवर तो हमने इनको दे दिया था, इनको ड्राई भी हो गई थी. अब देखिए हम इनकी जो है वो इस तरह से काम कर रहे हैं. उसके बाद ये देखें ये सारे के सारे जितने भी थिन बाल जो होते हैं या फिर वो जिन्होंने उतरना होता है वो इस तरह से उतर जाते हैं. और हम इनकी ग्रूमिंग जो है वो मतलब डे में 2 times करते हैं, मॉर्निंग में भी इस तरह से करते हैं और उसके बाद इवनिंग में भी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है. और इस तरह की जो कैट्स होती है ना इनको ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत होती है. इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इसको काम करे. लिली नहीं नहीं अभी ये ठीक हो जाएगी. देखिए ऐसे पकड़ कर इसको, ऐसे इसको लिटा दें ऐसे. यस ये देखिए अभी ठीक हो जाएगी. ओके और इसके बाद जो लोग पूछ रहे थे कि इसकी क्या ब्रीड है, कौन सी कैट है, ये है जी छिनचिला पर्शियन. छिनचिला पर्शियन कैट है. आप लिखेंगे ना नेट के ऊपर, गूगल पर आप सर्च करें छिनचिला पर्शियन तो वो आ जाएगी. ये व्हाइट और ग्रे कैट होती है, बहुत ही खूबसूरत कैट है. अभी तो इसके हमने सारे बाल कट कर दिए थे, वरना ये बहुत बड़े बड़े इसके बाल होते हैं. तो अब आ जाता है जी इनका स्नैक्स टाइम. अभी देखना कैसे आएंगे दोनों. अच्छा जी आरटी तो आ गया. लिली लिली भी भाग भाग कर आ रही है. ये आ गई जी, आ गई लिली भी आ गई. अभी एम एम करेंगे कि जल्दी से हमें स्नैक्स दे दें. ये है इनका ड्राइड चिकन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है. और उसके बाद अब हम इसको ये देंगे और देखना कितने शौक से खाते हैं ये. आरटी लिली मानो ये तो इतने प्यार से लेती है ना, आप देखिएगा. और अभी आरटी को दूंगी, आप आरटी का भी देखिएगा. आरटी ओ माय गॉड होने लगी है जी इनकी पार्टी. ये है जी इनका चिकन, ये भी चिकन होता है इनका. और ये जो है ना ये वेट फॉर्म में होता है, ये ड्राइड चिकन नहीं है. और ये इनकी बहुत ही फैंसी फूड है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है. तो हम इनको जो है वो वीक में 1 time देते हैं फ्राइडे को. लेकिन आज क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आज जो है वो इनको देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ. आरटी लिली खमीर भाग कर आएंगे. ऐसे होता है इनका चिकन और इन्होंने ये इनको स्मेल आ गई और ये भाग कर आ गए हैं. देखिए लिली को तो देखें आप लोग मानो. ये देखिए जी खाना स्टार्ट हो गया. अब समझ लें ये लोग जो है ना ये जिस तरह हम लोग जाते हैं KFC में या हमारी होती है होटलिंग करते हैं, ये समझ लें इनकी होटलिंग हो रही है यहाँ पर. आरटी पहले आरटी अपना फिनिश करेगा, उसके बाद लिली की हेल्प करता है फिनिश करने में. लेकिन मैं आरटी को यूजुअली जो है वो बंद कर देती हूँ ताकि देखिए आरटी का चिकन देखिए इसने कितना ज़्यादा खा लिया है. और लिली बेचारी अभी यहाँ पर ही है. कम ऑन लिली विन कर जाओ. जैसे मैं जैन को हराती हूँ ना आप भी आरटी को हरा दो. चलें जी अब हम आपको दिखाते हैं. लिली जो है वो अपने घर में आराम कर रही है. लिली ये देखिए तो ये है जी इनका घर. यहाँ पर लिली बैठ के आराम करती है, यहाँ पर इसके साथ ये खेल रही होती हैं, यहाँ पर बैठ जाती हैं समटाइम. यहाँ पर ऊपर इसके टॉयज पड़े हुए हैं ये देखें. बाकी इसने 2-3 पता नहीं कहाँ गिरा दिए हैं. और यहाँ पर मोस्टली आरटी बैठता है, आज नहीं बैठा हुआ. आरटी कम हियर. अभी मैं आपको इसकी कैटनिप दिखाती हूँ, देखिए इसे कैसे पागलों की तरह ये खाएगा. आरटी दिस वन अभी देखिएगा.
और अभी इसे कैटनिप खा के और पागल हो जाएगा। ये जो होती है ना, ये कैट्स के अंदर मतलब बहुत ज्यादा खुश, ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इसको खा के। और अब ये देखें ये देखें फाइटिंग, अच्छा जी फाइटिंग हो रही है, जी फाइटिंग हो रही है। नो 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 फाइटिंग। अच्छा लिली जो जो है ना उसके कवर के साथ खेलेगी। और अभी देखिए आर्टी अभी देखिएगा लिली इसको मार रही है ये पागल हो गई है लिली इसको खा के थोड़ा सा। ये देखें सेल्फ क्लीनिंग करते रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप इनको कब शॉवर देती हैं। पहले तो हम इनको दिया करते थे 15 डेज के बाद एक दफ़ा, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा कि ये तो क्योंकि हाउस कैट्स हैं ये कभी भी बाहर नहीं जाती हैं, ना ही इनको बाहर जाना पसंद, तो अब हम इनको देते हैं वंस इन अ मंथ। सो अगर आपकी कैट्स बाहर नहीं जाती हैं आप उनको वंस इन अ मंथ जो है वो शॉवर दे सकते हैं, क्योंकि देखें इस तरह से जो है ये सेल्फ क्लीनिंग करती रहती हैं। बच आर्टी एनफ दैट्स इट शिट। आर्टी तो बस जिस तरह इसका लॉलीपॉप है ना, ये लॉलीपॉप वाली फॉर्म में भी होता है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में भी होता है। और यहाँ पर ये हमने यहीं पर साथ ही स्टिक किया हुआ है इसके, ये देखें ये साथ ही स्टिक है इसके। और ये इसका कवर है, क्योंकि ज़्यादा भी इसको नहीं देते, ज़्यादा ही ये जो ना कैट्स एक्साइटेड हो जाती हैं, फिर ये लोग यहाँ से भागते हैं वहाँ पर, वहाँ से भागते हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बस। और ये देखिए यहाँ पर जैन जो है वो चिकन की कटिंग कर रहे हैं। हनी व्हाट आर यू मेकिंग टुडे? इट्स वाइट चिकन कढ़ाई। वाओ वाइट चिकन कढ़ाई जैन बना रहे हैं। और उसके बाद कैट्स जो है वो मेरी यहाँ पर देखिए जरा एम एम कर रहे हैं कि अभी, हाँ अभी तो खाया आप लोगों ने। नो आर्टी नो मोर नो नो। हनी मैं आपकी हेल्प कराऊं? नहीं नहीं आप जाकर अपना पढ़ लें यार। आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं आपके लिए फिर रोटियां आटा गूंथ देती हूं, रोटी मैं बनाऊंगी। ओके ठीक है। Thank you. So that was it for today, guys. अब ये देखिए मेरी हर चीज़ रेडी है, मैं यहाँ पर बैठ के अपना पढ़ने लगी हूँ। तो कोई मैंने मेकअप शेकअप नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिंपल सी गर्ल इन पजामास। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लिली और आर्टी को भी तो यार उन्होंने भी तो वीडियो देखनी है ना। अब अगर आप उनकी वीडियो पे लाइक नहीं करेंगे तो बेचारी क्या सोचेंगे कि हमने इतने मुश्किल से हम लोगों को आपने शॉवर दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने कोई ज़्यादा चींचा भी नहीं की वीडियो के लिए, और उसके बाद लाइक्स भी जो है ना वो नहीं मिले, तो क्या